सो राइट डाउन प्रॉपरली। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, क्या क्या मोशन के टाइप्स होंगे। देर आर थ्री टाइप्स, क्या क्या होंगे, 1D, 2D, 3D, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मीन्स किसी एक डायरेक्शन में मूव करे कोई भी ऑब्जेक्ट, 2D मीन्स प्लेन में मूव करे दो कोऑर्डिनेट्स में, और 3D मीन्स स्पेस में तीनों कोऑर्डिनेट्स में। सो लेट्स सी, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे मोशन। सो क्या क्या मोशन हो सकते हैं, 1D, वन डायमेंशनल, 2D एंड थर्ड वन इज योर 3D। वन डायमेंशनल का, टू डायमेंशनल मीन्स इसको क्या बोलते हैं, प्लेन, और इसको क्या बोलते हैं, स्पेस, मीन्स ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है। 1D मीन्स इसका एग्जाम्पल्स क्या हो गए, वन डायरेक्शन में जो मूव करे, एग्जाम्पल्स क्या हो गए, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या तो एक्स में जाएगा या वाई में या जेड में, एक ही लाइन, या फिर किसी भी स्टोन्स को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो भी लिख सकते हैं, throwing of a stone, this is also example of what, one dimensional, एक, ये क्या है, coordinates, this is x, y and z। अब two dimensional मतलब two coordinates में movement होना चाहिए, for example ये coordinates है x, this is y and this z, means यहाँ पे कोई insect है, इंसेक्ट है वो इस तरह मूव कर रहा है, दिस इज व्हाट इंसेक्ट, मतलब क्या है कि अपना रूम होता है ना, रूम का फ्लोर में इंसेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो दो डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो वो एक्स में करे या वाई में करे, अगर इस तरह का मूवमेंट हो दो कोऑर्डिनेट्स में तो उसको बोलते हैं 2D मूवमेंट। तो एग्जाम्पल क्या होगा, इंसेक्ट मूविंग ऑन फ्लोर, फर्श पे मूव कर रहा है किसी दो डायरेक्शन में। सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल में मोशन में कैसे होता है, ऐसे हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, दिस इज बॉल, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो क्या होता है जब हम किसी चीज को थ्रो करते हैं तो थ्रो करने में क्या होता है, वो ऊपर भी जा रहा है और डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, मीन्स दो कोऑर्डिनेट्स में मूव कर रहा है, सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल। 3D मतलब तीनों डायमेंशनल में मूव कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, फर्स्ट बटरफ्लाई मूविंग इन रूम, बटरफ्लाई का मूवमेंट रूम में हो रहा है, तो वो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी और जेड में भी, सो इट इज an एग्जाम्पल ऑफ 3D। सेकेंड मूवमेंट ऑफ जेट प्लेन्स, जेट जो प्लेन्स होते हैं उसका मूवमेंट क्या होता है, कभी एक्स कभी वाई कभी जेड, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। ये हम लोग फर्दर चैप्टर्स में डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट मूव टू द सेकंड ब्रांच, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकंड वन वाज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर, जहां पे हीट और टेम्परेचर का हम लोग बात करेंगे। तो द ब्रांच ऑफ साइंस
विच डील्स विथ हीट एंड टेम्परेचर. हीट एंड टेम्परेचर का जहां पे स्टडी करेंगे उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, वी स्टडी अबाउट वेरियस लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एटीसी. और इस थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक्स आएंगे आगे उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेरियस लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ेंगे. फिर हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर जो हमारे घर में होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. एंड द नेक्स्ट पार्ट वॉज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. सो राइट डाउन द थर्ड पार्ट सी, दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग क्या, वी स्टडी अबाउट हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, चार्ज. चार्ज किसे बोलते हैं, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, करंट एसी, डीसी, मैग्नेट इटीसी. यही तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में. क्या पढ़ते हैं, चार्ज, फील्ड, करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, मैग्नेट, मैग्नेट इटीसी. यही तो हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में. एंड द फोर्थ पार्ट वाज ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स तो ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वी स्टडी अबाउट लाइट. लाइट के बारे में पढ़ेंगे, वेव्स, वेव्स, मिरर, लेंस, टेलीस्कोप इटीसी. दीज आर द टॉपिक्स ऑफ क्लास 12 में हम लोग इसको पढ़ेंगे. तो हम लोग ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, लाइट का जो फेनोमेन आता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, फिर रेनबो फॉर्मेशन इसी में आएगा, वेव्स का ड्यूअल नेचर ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, मिरर, लेंसेस, टेलीस्कोप इटीसी. सो दीज आर द ब्रांचेज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिक्स इन डेली लाइफ. मींस डे टू डे लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं फिजिक्स का. फॉर एग्जांपल्स, हम लोग के रूम में क्या फैन लगे होते हैं. जितना भी नेचुरल फेनोमेना है सब फिजिक्स है. नेचुरल फेनोमेना मीन्स सनराइज, सनसेट, सीजन्स का वेरिएशन, डे एंड नाइट, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, सन, मून, हीट, टेम्परेचर, जितने भी चीज़ें का जो हम लोग स्टडी करते हैं ये सब क्या है, नेचुरल फेनोमेना. मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. जैसे रूम में फैंस लगा हुआ है, फैन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सिमिलरली बल्ब, बल्ब में क्या हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो लिखेंगे, राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर example of physics in daily life. Means day to day life में what are the examples. First example क्या है, fan तो हमारे घर में लगा होता है. fan में हो क्या रहा है, electrical energy is converted
कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. क्या इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. एंड व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी किसे बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. इसको पढ़ेंगे डिटेल में आगे. सेकंड एग्जांपल, बल्ब. बल्ब तो हम लोग यूज करते हैं, इसमें क्या हो रहा है? अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किसमें? हीट एनर्जी. और हीट एनर्जी किसका पार्ट है? हीट एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ थर्मो डायनेमिक्स. हीट एनर्जी को हम लोग थर्मो डायनेमिक्स में पढ़ेंगे. और थर्मो डायनेमिक्स इट इज व्हाट? अगेन इट इज अ फिजिक्स. थर्ड, अलार्म क्लॉक. अलार्म क्लॉक ये हम लोग लगाते हैं मॉर्निंग में उठने के लिए. तो अलार्म क्लॉक में क्या फिजिक्स है? वी कांट सी साउंड वेव्स. जो उससे साउंड वेव्स निकलता है वो हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो इट इज अ बेसिकली व्हाट? साउंड वेव्स. अगेन दिस साउंड वेव्स इज व्हाट? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. फोर, आयरन. आयरन जो हम लोग यूज करते हैं, वो आयरन में क्या हो रहा है? आयरन में अगेन हीट एनर्जी. हीट एनर्जी का कंसेप्ट यूज हो रहा है. इट इज अ व्हाट? पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हीट एनर्जी अगेन इट इज बेस्ड ऑन फिजिक्स. फोर, वॉकिंग. जब हम लोग वॉक करते हैं, तो जब वॉक करते हैं तो हम लोग आगे मूव करना चाहते हैं, तो हमारा जो सरफेस होता है वो हमें पीछे रेसिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. एंड फ्रिक्शन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? मैकेनिक्स. इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. सो अगेन नेक्स्ट वन, जो हमारा ईयरफोन्स है, इट इज किसके कंसेप्ट पे काम कर रहा है? अगेन साउंड वेव्स एंड मैग्नेट लगे होते हैं इसमें. साउंड वेव्स एंड मैग्नेट इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट? फिजिक्स. सो डे टू डे लाइफ में फिजिक्स का जो यूजेज है हर जगह पे है. सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच वी कैन ऑब्जर्व एवरी डे. हम लोग हर दिन ये सब एग्जाम्पल्स को देखते हैं. और जितने भी यहाँ पे साउंड वेव्स, फ्रिक्शन, हीट, ये सब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब हम लोग प्रॉपरली वन बाय वन आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो राइट डाउन प्रॉपरली, अच्छे से लिखेंगे. नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स इन इंडिया. स्कोप ऑफ फिजिक्स इन इंडिया. तो फिजिक्स का क्या स्कोप है? इफ यू लर्न दिस सब्जेक्ट वेरी केयरफुली, अगर अच्छे से हम पढ़ेंगे तो वी कैन बिकम अ गुड स्कॉलर. लोग स्कॉलर बन सकते हैं. वी कैन बिकम अ गुड ट्यूटर. अच्छा हम लोग किसी को पढ़ा सकते हैं अगर अच्छे से आप पढ़े रहेंगे तो. फिर डिस्कवरी फील्ड में आप जा सकते हैं. सो देर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड. सो राइट डाउन द फर्स्ट वन. फर्स्ट क्या है? स्कॉलर बन सकते हैं. सेकंड, यू कैन बिकम अ गुड ट्यूटर. अच्छा ट्यूटर बन सकते हैं जो किसी के फ्यूचर्स के लिए आप गाइड कर सकें. थर्ड, डिस्कवरी फील्ड.
में जा सकते हैं, मीन्स कुछ अच्छा इन्वेंशन हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो अच्छा इन्वेंशन हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। सो दीज आर द स्कोप ऑफ फिजिक्स ETC एंड देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स। लैबोरेटरी वर्क कर सकते हैं, कैन बिकम फर्दर इफ यू चूज दिस फील्ड यू कैन बिकम अ गुड इंजीनियर। तो हर जगह पे हम लोग का फिजिक्स को अप्लाई करना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग आज पढ़ चुके हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट व्हाट फिजिकल वर्ल्ड, जो सेकंड टॉपिक है हम लोग का क्लास 11th का फिजिकल वर्ल्ड, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। मैं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।